check them. Chill, let's go now. Jaldi peelo, chale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम जा रहे हैं एप्पल के स्टोर पे. हाजिक साहब का आईमैक खराब हो चुका है, उसे हमने चेक करवाना है और हमारी अपॉइंटमेंट बनी हुई है और हम लेट हो रहे हैं. लेट हो रहे हैं जी, क्योंकि आतिफ भूल गए थे मुझे पहले बताना कि उनकी अपॉइंटमेंट बनी हुई है. उनको लगता है, उन्होंने मुझे बताया पर मुझे नहीं लगता, मुझे पता था. तो अभी बस हम जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलें. जी, तो हम चल पड़े हैं सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि जो एप्पल का स्टोर है वो सिटी सेंटर में है और जितना हमें सिटी सेंटर जाना बुरा लगता है उतना ही हमें लास्ट दो तीन बारी वहाँ जाना पड़ा है. हर बारी कोई ना कोई ज़रूरी काम आ जाता है. हाजिक का जो आई मैक है, आई डोंट नो, उसको कुछ हो चुका है जिसकी वजह से वो नहीं ठीक से चल रहा. तो अभी आई होप कि वो देखें और ठीक हो जाए, कोई ज़्यादा बड़ा मसला ना हो. तो ये देखें, हम पहुँच गए हैं जी अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए और यहाँ हम पार्किंग करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट एप्पल के स्टोर पर. जी, तो जब आप सिटी सेंटर आते हो पूरा दिन आपका सिटी सेंटर में ही लग जाता है, काफ़ी बिजी होता है. और ये रहा जी एप्पल का स्टोर और ये देखिए अंदर से बड़ा ही ब्यूटीफुल है. आपको मैं बस अंदर जाके दिखाती हूँ और ये देखें कितना बिजी है. जी, तो हमें यहाँ पर जीनियस बार में बिठा दिया गया है कि आप यहाँ पे वेट करें और अभी आपको आके कोई सर्व करता है. तो अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और साथ ही साथ मैंने सोचा मैं आपको साथ में वीडियोस बनाकर दिखा देती हूँ. ये सब जो है एप्पल की कोई ना कोई प्रोडक्ट लेने आए हैं या फिर अपने किसी न किसी चीज़ को रिपेयर कराने आए हैं. तो ये देखें, ये है जी एप्पल का स्टोर और आतिफ साहब भी जो हैं यहाँ पर अपना जो अपना आई मैक है वो निकाल कर यहाँ बैठ गए हैं कि अब कोई आएगा और वो हमारे भी आई मैक को देखेगा. जी, तो मैडम अमीरा जो हैं वो तो तीन तीन मोबाइल्स के साथ इस वक्त लगी हुई है. और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल ये सारा स्टोर बना हुआ है. ये एक्चुअली में पहले एक बुक शॉप होती थी और फिर बाद में उनको यहाँ पर एप्पल का स्टोर ले आए. और ये देखिए यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी बेचारी लड़की को ऐसे चुड़ैल बना रही है. तो खैर, बच्चे तो खुश हैं क्योंकि उनको फ़ोन्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, वो बिल्कुल बोर नहीं हो रहे. और इतनी देर हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यहाँ पर हेल्प के लिए आ गए हैं, रिपेयर कर रहे हैं. आई होप कि बस जल्दी से सारा सॉर्ट आउट हो जाए. जी, तो आई मैक जो है वो तो ठीक हो गया है. उन्होंने कहा है कि अब घर जाकर इसको चलाकर देखें. आई होप कि बस सब ठीक हो जाए. और बस अभी हम जा रहे थे किसी और शॉप पर तो मैंने सोचा मैं आपको बाकी सब आगे पीछे से भी दिखा दूं. तो अभी बच्चों को लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो फिर सोचा कि पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाना वगैरह खाते हैं और फिर बाकी कुछ करते हैं. पर रास्ते में मुझे नज़र आ गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर की शॉप, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से देख लेती हूँ. तो इसलिए पहले मैं तो घुस गई उस शॉप में. और ये देखें यहाँ पर अमीरा को साथ में मैं ले गई. मैंने कहा चलो तुम आओ मेरे साथ. और हाजिक जो हैं वो अपने अबू के साथ आई मैक रखने गए हुए थे वापस. तो बस यहाँ से बस मैंने एक आध चीज़ ली और उसके बाद बच्चे जो हैं उनको भूख की बस लगी हुई थी कि कब हमें लंच खाने को मिलेगा. बच्चों का तो यही है, जब उनको लेके जाओ या तो उनको टॉयलेट जाना है या उनको भूख लग गई है. तो अब हम जा रहे थे किसी रेस्टोरेंट में. आतिफ को तो पता नहीं कौन कौन से रेस्टोरेंट्स का यहाँ पता होता है कि कौन सा हलाल है. तो बस वो आज इस बारी ये मक्कन कोई रेस्टोरेंट था, आई थिंक सीरियन रेस्टोरेंट है, वहाँ हमें लेकर गए. अच्छा था, काफ़ी मज़े का खाना था और काफ़ी अरेबियन वाइब्स आ रही थी काफ़ी. और काफ़ी लोग भी ज़्यादातर जो है वो अरबी लोग ही बैठे हुए थे वहाँ पे.
और ये जी हमारा था लंच जो कि वेरी टेस्टी था, बहुत मज़े का था। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे, शवारमा रैप था, हाजिक ने आई थिंक शवारमा रैप, हाँ जी उन्होंने शवारमा रैप लिया था। मीरा ने कुछ ब्रेड के अंदर चिकन वगैरह इस तरह का कुछ डिफरेंट चीज़ थी वो ली थी, काफ़ी मज़े का खाना था। और अब देखें जी हम हमारे यहाँ पर पार्किंग के बस पैसे पे कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे घर पर। और जब भी आओ यहाँ पर सिटी सेंटर बंदा थक टूट जाता है, पर खैर देखें मैं अब पहुँच गई हूँ घर। आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू जो कि हमारे घर में इतने ज़्यादा नहीं पसंद किए जाते, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने साइड पे थोड़े से कीमा आलू भी बना लिया है। तो अब मैं बस ये कुकिंग वगैरह करूँगी और इंशाल्लाह व्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ। आपको मिलूँगी मैं अगले व्लॉग में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।